एक वोटर है या फिर आप एक वोटर नहीं भी हो सकते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वोटर है या नहीं। लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ये आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे वोटिंग के ऊपर। तो दोस्तों, वोटिंग क्या है, ये कैसे आप वोट देते हैं और वोट के जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे डिक्लेयर होता है। तो दोस्तों, बिना बात करवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वोटिंग मशीन के ऊपर। तो वोटिंग मशीन क्या है, तो वोटिंग मशीन क्या है, किस किस टाइप से वर्क करती है और फ्यूचर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या इम्प्रूव होगा, और जो वोटिंग मशीन है वो क्या हम हैक कर सकते हैं, तो हैक करने के वो हैक अगर कर सकते हैं तो वो कैसे हो सकता है हैक, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जो आपको जो वोटिंग मशीन है उसके बारे में बात करने के लिए मैं ये वोटिंग सिस्टम को तीन हिस्से में बराबर में डिवाइडेड कर देता हूँ। तो पहले हिस्से में आता है बैलेट पेपर के थ्रू, और सेकंड हिस्से में आता है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के थ्रू, तो ईवीएम के थ्रू। उसके बाद आता है फ्यूचर की, तो फ्यूचर के बाद हम दोस्तों आखिर में करेंगे। तो पहले की बात करते हैं, तो पहले में क्या आपको क्या देखने को मिलता है, जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर कैसे वर्क करते हैं। तो बैलेट पेपर का जो सिस्टम था, तो बैलेट पेपर के पे आपको क्या देखने को मिलता था कि बैलेट पेपर में एक कैंडिडेट का नाम होता था, उसके बाद जो आप उसका लोगो आता था, तो लोगो पे आपको सील मार के वो आप डिसाइड करते थे आप किससे चुनेंगे एक कैंडिडेट के, तो आप एक प्रजा के थ्रू आप किससे चुनेंगे, तो वो चुन के वो बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। तो उसके बाद जो एजेंट है तो वो उससे गिन के, रिजल्ट के वक्त गिन के उससे आप डिक्लेयर कर देते थे। तो उसके जब ये सिस्टम चल रहा था, तब देखा कि धीरे धीरे पेपर के दाम भी बढ़ने लगे, पेपर की महंगाई भी बढ़ने लगा है, तो अब उतना पेपर गिनना भी मुश्किल है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आया था, तो 1992 में केरला पे ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन स्टार्ट हुआ था, तो तभी से वोट लेना चालू हुआ था इलेक्ट्रिक में वोटिंग मशीन पे। तो अब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन क्या है, और दोस्तों ये कहाँ कहाँ पे आपको अगर देखने को मिलता है और ये कहाँ कहाँ पे आता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इंडिया के दो जगह पे ही तैयार होती है, एक है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो और वो है दोस्तों बेंगलुरु पे, और दूसरा है आपका जो इलेक्ट्रिकल आपका जो और दूसरा है दोस्तों इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये है आपको हैदराबाद पे। तो ये दोनों बेसिस पे, दोनों जगह पे ही आपको इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन तैयार होने को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों जगह पे ये होता है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन कैसे वर्क करती है और ये आपको कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो 1992 से लेके इंडिया पे अब तक इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के थ्रू ज़्यादातर वोट लिया जाता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और वो वर्क कैसे करती है, क्या इसके हैकिंग होने के चांसेस है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, जो आपका जो इलेक्ट्रिक वोटिंग आपका नहीं है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है, तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में एक जो पर्टिकुलर मशीन है उसके अंदर तो कुछ लिमिटेड ही, एक पेपर के अंदर आप बहुत सारे नाम डाल सकते, लेकिन एक आपका जो मशीन है उसमें आपको मशीन में दो मशीन देखने को मिलता है, एक है बैलेट यूनिट, एक है कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट क्या है, बैलेट यूनिट होता है जो आप बैलेट बॉक्स उसके जो आप सील मारते थे, तो अब क्या होता है एक बॉक्स के अंदर आप टच करेंगे तो उसके बाद आपको वोटिंग हो जाएगा। तो अब कंट्रोल पैनल है, तो वो जो बैलेट मशीन है, बैलेट मशीन से 5 सेंटीमीटर दूर तक, 5 मीटर दूर तक आपको एक वायर के थ्रू कनेक्शन होता है जो कंट्रोल पैनल के साथ जुड़ा रहता है। तो इसमें कोई वायरलेस सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कि ये कैसे होता है। तो एक जो आपका बैलेट बॉक्स है, बैलेट मशीन है, तो बैलेट मशीन के अंदर 16 कैंडिडेट के नाम फिलअप हो सकता है। तो दोस्तों, अगर 16 के ज़्यादा है तो एक मशीन के साथ साथ वो 4 मशीन और सेट कर सकते हैं, यानी आपका कैंडिडेट का इनपुट होता है, आउटपुट होता है 64, 4 × 16 तो होता है 64, तो 64 कैंडिडेट का नाम आप एक मशीन के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये वर्क कैसे करते हैं, कंट्रोल पैनल पे जब एक
जो एक इंसान बैठा रहता है, तो वो जब एक वोटर आता है वो उस पे एक बार ही वो बैलेट बटन प्रेस करता है, फिर वो जो कैंडिडेट है वो एक ही बार एक ही पर्टिकुलर इंसान को वोट दे सकती है। तो वो एक वोट होने के बाद फिर से जो बैलेट कंट्रोल पैनल को कंट्रोल करता है, तो उससे फिर से दबाना पड़ेगा, उसके बाद ही और एक कैंडिडेट वोट दे सकेगा। तो ऐसे ही दोस्तों वर्क करती है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। अब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का हैक होने का चांसेस है या नहीं है? तो दोस्तों हाँ, इसके हैकिंग होने का चांसेस है, ये प्रूव्ड है दिल्ली से, दिल्ली हाई कोर्ट से ये प्रूव्ड है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में क्या होता है, हुआ है तो हुआ था, तो इस बारे में अब मैं बताऊंगा। तो दोस्तों डेली वोटिंग मशीन में आपको क्या देखने को मिलता था? तो डेली वोटिंग मशीन, डेली में जो सिस्टम, डेली में जो बोला था हाई कोर्ट ने, तो वो बोला था कि वो जो आप जो फिलअप कर रहे, आप जो देख रहे हैं जी हाँ, मैं इसे प्रेस करके इसे दे रहा हूँ, तो उसके बाद अगर उस जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में अगर कोई ब्लूटूथ वाले सिस्टम प्रेस कर देगा, तो वो जो आपका जो वोट दे रहा है वो तो वोट ले रहा है। उसके बाद जब वोटिंग रिजल्ट को देखा जाएगा, तो वोटिंग रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वोटिंग रिजल्ट जब दिखेगा, तो बाहर से कोई कंट्रोल करके ये दिखा सकता है कि सारे वोट एक अलग सा, जैसे कि एक अगर चाहे तो एक ही जगह पे गया है, ये दिखा सकता है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है ये ऐसे हुआ करते हैं, या फिर आपका जो मेमोरी एक को है, मेमोरी को चेंज करके वो, मैंने यानी मेमोरी को रिकॉग्नाइज करके वो अलग से मेमोरी सेट कर देगा, तो वो ये हो सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, उसके अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल बात है। तो उसमें कोई पोर्ट नहीं रहता जिसके थ्रू आप करेंगे, लेकिन वो हाई सिक्योर है, इसीलिए वो हो सकता है आप हैकिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे आप हैकिंग करने के चांसेस बहुत ही कम है। तो दोस्तों एक जो आपका इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, उसका जो वाट है तो वो है 3840 वाट का, तो ऐसे वो कंज्यूम करता है पावर को। तो अब बात करते हैं वो जो आपका जो बैलेट मशीन है, तो मशीन के अंदर जो आप प्रेस कर रहे हो कंट्रोल पैनल में, तो वो कंट्रोल पैनल पे आके इन्फॉर्मेशन आके सेव रहता है। तो वो इन्फॉर्मेशन आके सेव रहने के बाद वो जो रिजल्ट का बटन है उससे, और वो जो कितना वोट हुआ है तो उससे सील करके, वो लोग जब वोट का रिजल्ट होता है तब ओपन सील ओपन करके वो देख के आपको जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करके बता सकता है तो इस वोट यहाँ पे पड़ी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो नया टेक्निक है, जो थर्ड टेक्निक है वो क्या है। तो दोस्तों थर्ड टेक्निक जो है दोस्तों ये है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रियल। तो ये है दोस्तों वोटर वेरीफाइड ऑडिट पेपर ट्रियल है। तो दोस्तों ये कैसे है, ये एक ही सिस्टम है, वो जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उसके साथ साथ ही वो एक अलग सा एक बॉक्स होगा, तो जिसमें आप देख सकते हैं, जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहेगा जो बैलेट बॉक्स के साथ। तो वो बैलेट बॉक्स क्या करेगा, आप जो वोट प्रेस कर रहे हो तो वो आप देख सकते हो पेपर पे आ जाएगा, तो ये वोट इसको गया है, तो ये पेपर पे प्रिंट होता रहेगा। तो अगर जरूरत पड़े तो वो लोग पेपर प्रिंट करके देख सकते हैं कि हाँ ये देखा गया है। तो 2014 में 8 जगह पे ये जो नया सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया है, तो वो ये जो नया सिस्टम है ये 8 जगह पे वोट ले चुकी है। अब 2019 में भी हमें शायद देखने को मिल सकता है कि ये हर जगह पे वोटिंग लेने के लिए हम काम में ले सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या और ज़रूरतमंद लोगों के साथ या फिर सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी सबके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।